सो गाइस वेलकम बैक टू वीडियो, दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है महिंद्रा XUV 700 का AX5 वेरिएंट, जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों में आता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ में आता है, 5 सीटर 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आता है, 23 लाख रुपए का बजट है। तो क्या ये 7 सीटर XUV आपको प्लान करनी चाहिए, जो कि सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल इंजन के साथ में आती है, दोनों इंजन इसके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आज इस वीडियो में डिटेल वॉक अराउंड आज इस वीडियो में क्विक वॉक अराउंड लेके ड्राइव करने चलते हैं, बिकॉज एडास वगैरह नहीं है, कार बिल्कुल स्टॉक है, चलाने में बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ फीचर्स आप लोगों को इस वेरिएंट में मिल जाते हैं, एक बार फटाफट से देखते हैं, उसके बाद चलते हैं ड्राइव पे लेके। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार है ये अंडर 25 लाख रुपीज़ में, या कोई भी 7 सीटर की अभी अगर बात करते हैं तो सेगमेंट में 30 लाख रुपए के अंदर इतनी पावरफुल कोई भी गाड़ी आप लोगों को नहीं मिलती है, चाहे पेट्रोल में परचेस कर लो या डीजल में परचेस कर लो। मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, सबसे पहले इंजन से ही मिलवा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो प्रोड्यूस करके देता है आपको अराउंड 182 हॉर्स पावर और जनरेट करके देता है 450 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में, 430 Nm का टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करता है मैनुअल लेते हो तो। यहाँ पर आप लोगों के पास में ये कुशनिंग वगैरह जो है, यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट जो है वो आपके पास में मिल जाती है। 5-स्टार रेटेड है कार, तो अगेन काफ़ी बढ़िया सेफ्टी आपको यहाँ पर मिलती है, ऑल LED लाइट्स हैं। पेट्रोल इंजन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास में 200 हॉर्स पावर 380 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि अगेन इस सेगमेंट में कोई भी कार इतना ज़्यादा पावर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो 2 लीटर इंजन आता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास में फॉग लैंप हैं, अगेन सभी चीज़ें ऑल LED। आगे कैमरा या पार्किंग सेंसर इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है। MRF का टायर है जो कि 17 इंचेस के अंदर लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, कार देखने में काफ़ी अच्छी है, साइड से स्लाइड स्लोटे कार का काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर पीछे आप आएंगे AX5 की बैजिंग XUV700 की बैजिंग, पीछे ये कुछ इस टाइप से LED लाइट्स, टर्न इंडिकेटर वगैरह सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलती है प्रॉपर तरीके से। बट ये हेलोजन में टर्न इंडिकेटर और बैकलाइट, बट ये जो लाइट्स नॉर्मली चल रही है वो आपको LED के अंदर मिलती है। यहाँ पर डिफॉगर, वाइपर है, स्टॉप माउंट लैंप, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, यहाँ पे ये पार्किंग कैमरा, 2 सेंसर, 240 लीटर का बूट स्पेस, इसको इंक्रीज कर सकते हो इन दोनों ही सीट्स को, अगर आपको सुलाना है तो कहाँ गया, ऐसे सो जाएगा। पीछे वाली थर्ड रो के लिए आपके पास में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और AC के कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोलर दिया गया है, ब्लोअर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2 आपके पास में जो है ग्रैब हैंडल भी हैं, जो कि सॉफ्ट टच फंक्शन के साथ में होते हैं आते हैं, और दोनों में आप लोगों को कोट हुक भी मिल जाता है। इसको करते हैं बंद, ओके। पीछे उस तरफ से चल के मैं आपको बता देता हूँ एक बार, पीछे वाली सीट पे भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। थर्ड रो में अगेन मेरी हाइट 5'10" है, मैं बैठ सकता हूँ, मेरे को 100-200 किलोमीटर चलना है तो। यहाँ पर 3 लोगों के लिए आराम से बहुत बढ़िया स्पेस, फ़ोन रखने के लिए स्पेस, Type-C पोर्ट, यहाँ पे आपके पास में ये ब्लोअर है जिनको आप बंद नहीं कर सकते हो, बंद कर सकते हो ऐसे, और वो नहीं कर सकते हो, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो ब्लोअर स्पीड। पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह दी गई है डोर्स पे, जो एरिया है विंडो का वो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर रखा गया है। ऊपर भी आपके पास में ये सनरूफ है, यहाँ पर आर्म रेस्ट है, ये बीच में इंटीग्रेटेड आप लोगों को मिलता है हेडरेस्ट, 2 डेडिकेटेड हेडरेस्ट है जो कि एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। फ्रंट सेकेंड एंड थर्ड रो में ऊपर आप ये देखो काफ़ी बढ़िया पैनोरामिक सनरूफ, अगेन काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर ये LED लाइट्स वगैरह जो है वो दी गई है, इसको बंद रख देते हैं वरना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाएगी अंदर। और कार पूरी नई ब्रांड न्यू मुझे दी गई है महिंद्रा से, 36 किलोमीटर ऑडोमीटर पे चली हुई है अभी तक, बस दैट्स ऑल। बाकी इस इंजन से तो मैं फैमिलियर हूँ ही, मुझे सिर्फ इसलिए चला के बताना है जस्ट बिकॉज किसी प्राइस स्टार्ट होती है 17,69,000 रुपीज़ से एक शोरूम, टॉप ऑफ लाइन मॉडल की जाती है 21,10,000 रुपीज़ के आसपास, डिपेंड करता है टॉप ऑफ लाइन मॉडल, यानी कि AX5 में बेस और टॉप बोल रहा हूँ। सपोज पेट्रोल में मैनुअल 5 सीटर ले लोगे या डीजल में 7 सीटर ऑटोमेटिक ले लोगे तो वो टॉप और बेस वो उस हिसाब से उस कॉन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में चारों पावर विंडोज के कंट्रोल, सीट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है जिसकी ब्राइटनेस कम हो गई थी बिकॉज हेडलाइट्स ऑन थी, दैट्स वाई। मैनुअल AC एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायर्ड कनेक्शन के साथ चलाना पड़ेगा। ये मैनुअल हैंड ब्रेक, नीचे थोड़ा सा स्पेस बट ये हार्ड प्लास्टिक है। सीट को थोड़ी सी ऐसे पीछे कर देता हूँ मैं, तो ये सीट्स अगेन सारी चीज़ें फैब्रिक की है बट फैब्रिक का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। ग्लोव बॉक्स में काफ़ी अच्छी स्पेस है, ऊपर फाइल रखने की भी जगह आपके पास में है। यहाँ पर आपके पास में सोनी का स्पीकर वगैरह का सेटअप तो नहीं मिलता बट जो सेटअप मिला है वो अगेन काफ़ी कमाल जो है वो मिलता है। यहाँ पर ये फ़ोन आप ऐसे रख सकते हैं, दैट्स ऑल। मैनुअल आपके पास में IRVM है, ऊपर आपके पास में ये सनशेड जो है वैनिटी मिरर के साथ में, लाइट नहीं है बट ये एक्सटेंडर फंक्शन के साथ में आती है, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। यहाँ पर आपके पास में ये चश्मा होल्डर मिल जाता है, लाइट्स के कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आपके पास में है, दैट्स ऑल, ओके। यहाँ पर आपके पास में कुछ भी नहीं है और
बाकी कार जो है वो मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगती है। स्टीयरिंग पे क्रूज कंट्रोल, वॉल्यूम रोकर्स के सारे स्विचेस, स्टीयरिंग की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, रीच जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके डायल्स जो हैं वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड भी इस फेरियन के अंदर आपके पास में मिल जाते हैं, जिप, जैप और जूम कस्टम भी जो है वो आप कस्टमाइज भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जूम मोड जो है वो काफ़ी पावरफुल है और जिप और जैप में थोड़ी सी पावर कट होती है, डिलीवरी वगैरह जो है पावर की थोड़ी सी उस हिसाब से होती है। दैट्स ऑल अभी। हाँ, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ इंजन ऑन ऑफ करके कि साउंड वगैरह कैसा आता है। तो ये जैसे ही चालू करते हो पता तो चलता है कि डीजल इंजन स्टार्ट हुआ है, बट 1000 RPM से नीचे ही जो है वो ये आइडियल कर रहा होता है। ये चीज़ मेरे को इसकी काफ़ी अच्छी लगी। अब डायरेक्ट मैं रोड पे चलता हूँ और चलाते हुए आपको सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि ओवरऑल ये चलाने में कैसी है और क्या आपको इस कार को परचेज करना चाहिए प्राइस पॉइंट पे, वो सब डिस्कस करते हैं रोड पे चलते। गाइस चलते हैं और चला के देखते हैं कि ये चलाने में ओवरऑल कैसी फील देती है आपको इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में। और बिल्कुल रॉ है कार, पूरी ऑटोमेटिक इंजन, दैट्स ऑल, बिकॉज यहाँ पर कोई एडास वगैरह ऐसे कुछ फीचर्स नहीं है। ये सारे फीचर्स आपको ऊपर वाले वेरियंट्स 1.7L वगैरह में जो है वो देखने मिलते हैं। फिलहाल अगेन SUV वाली वाइब प्रॉपर आपको मिलती है, आप काफ़ी हाइटेड बैठते हैं। हॉर्न का साउंड सुन लो, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ बिकॉज जो आगे व्हीकल चल रहे हैं वो तो साउंड सुनते नहीं है। भैंस के आगे हॉर्न नहीं बजाना। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट जो है वो फील होता है इसका, काफ़ी इजी है इसको मनूवर करना, बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा मतलब ये रहता है ना कि और ज़्यादा बेटर लाइक स्टीयरिंग में वेट जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए था, गेन करना चाहिए था वेट, थोड़ा सा रेस देते हैं। गजब। एक्चुअली ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और अगेन यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आपके पास में है टॉप ऑफ लाइन मॉडल में अगर आप जाते हैं तो। यहाँ व्हील स्पिन करा इसने, पता है 30 के आसपास स्पीड पे था ये, इसमें उस टाइम पे मैंने रेस दी तो व्हील स्पिन करा इसने, लिटरली वेरी नाइस। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगेन हाँ, व्यूइंग एंगल वगैरह काफ़ी अच्छा है, इकोनॉमिकली भी कार सभी चीज़ों में के मामले में सॉर्टेड है, कोई परेशानी हजन सच नहीं है। जो फॉर्च्यूनर चल रही थी वो 500 NM का टॉर्क जनरेट करती है, ये 450 NM का टॉर्क जनरेट करती है और उससे काफ़ी लाइट वेट है। तो सीन पता है क्या है, जो इसका मतलब लाइक एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम साइज जो है वो फील होता है, ये और थोड़ी सी क्विकर जो है वो फील होती है। मैंने दोनों को टेस्ट भी करा हुआ है, ड्रैग रेस भी करी, आप चाहें तो चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम जो दिया हुआ है उसका भी साउंड काफ़ी अच्छा है, डिसेंट लेवल का साउंड आपको मिल जाता है, मॉडिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत है सच नहीं पड़ेगी, बढ़िया स्टॉक साउंड जो है वो आपको फील होने वाला है। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे कि इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, तो 2.2 लीटर का ये जो इंजन है वो अगेन मैंने आपको बताया कि जैसे कि मोस्ट पावरफुल इंजन इन सेगमेंट, तो चलाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा यहाँ पर मेरे को आता है इस इंजन को। मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ यार गाड़ी जो है वो मैं रेव कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है बट एक्सेलरेशन जो है वो स्लो हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर ऐसे इस इंजन के साथ में फील नहीं होती। मतलब जितना आवाज़ करता है ना उतनी ये भागता भी है, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया जो है वो फील देता है। देन उसके बाद में 1700 RPM के आसपास में ही आपके पास में पूरा टॉर्क जो है वो अवेलेबल हो जाता है। 2000 RPM पे आपको कंप्लीट पूरा टॉर्क जो है वो डिलीवर होने लगता है, लाइक कंप्लीट 100% होता रहता है वो। और कम RPM पे आपके पास में इतना टॉर्क आपको मिल जाता है। गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो अगेन मैंने लंबा भी इस कार को चलाया है, पर्टिकुलर MX को नहीं, ये सॉरी AX5 को नहीं, AX7L को, तो कहीं पर भी मेरे को ये फील नहीं हुआ कि हाँ यार गियर बॉक्स में लाइक मेरे को मैनुअल शिफ्टिंग की तरफ जो है उसको सिलेक्ट करना चाहिए, अपने हाथ से जो है उसको शिफ्ट करना चाहिए, नो नॉट एट ऑल। ईजीली जो है वो आप अपने लाइक ड्राइव में डाल के इसको छोड़ दो और कार जो है वो खुद से डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट अच्छी तरीके से जो है वो कर रही होती है, कोई परेशानी जो है वो नहीं आती है आपको। सस्पेंशन की बात करें तो अगर वो सस्पेंशन सॉफ्टर साइड में है थोड़े से, वो लाइक आपको रहेगा कि कंफर्ट जो है वो बहुत बढ़िया दे देंगे, बट अगर आप हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करते हैं वहाँ पर डेफिनेटली बॉडी रोल जो है वो आपको शो करेगी कार। बट अगेन ये चीज़ का इस कार को बहुत बेनिफिट है कि थोड़े बहुत जो पोर्टल्स वगैरह हैं उनको तो ये ब्रेकफास्ट करते हुए निकल जाती है, मतलब लाइक एकदम ग्लाइड करते हुए जाती है उनके ऊपर से। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर आपको परेशान कर रहे, आपको ऐसा फील हो कि अरे यार ये कहाँ गाड़ी लेके आ गया, वो चीज़ इस कार के साथ में नहीं आती है और ना ही इतना ज़्यादा कुछ साउंड अंदर जो है वो सस्पेंशन का अंदर आता है। बट हाँ ठीक है, SUV है, बड़ी गाड़ी है, वेट है, तो सॉफ्ट सस्पेंशन जो है जैसे ये हल्का सा भी टर्न लिया तो वो फील करवाते हैं कि हाँ आपने बड़ी गाड़ी को टर्न लिया है, तो वो बड़ी गाड़ी वाली फील जो है वो यहाँ पर है। बट फिर भी काफ़ी बैलेंस जो है वो इन्हें रखा गया है।
फिर मैं वॉल्वो चला रहा हूँ तो मेरे को ये सारे इधर से इधर शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है रेगुलर बेसिस पे। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि कभी कौन सी कार चला रहे हो कभी कौन सी कार चला रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आती है बाद में? तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेट करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा। पीछे कोई भी नहीं है, आगे वैगनर जा रही है उसको जाने देते हैं। अरे पीछे एक और गाड़ी है, ये भी गो 70, 80, 90 और ये 100 क्रॉस। तो अगेन बढ़िया एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मज़ेदार राइड क्वालिटी, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी, फील ही नहीं होता है मेरे को कि एडास वगैरह नहीं, क्योंकि मैंने एडास वाली गाड़ी इतनी चलाई थी तो मेरे को लगा था कि थोड़ा सा अटपटा मेरे को लगेगा और मेरा अपना इंप्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बट स्टिल मेरे को अच्छी लग रही है कार चलाने में, कोई इसका इनपुट नहीं है, मैनुअल मेरे पास में सारे कंट्रोल्स है, सिर्फ गियरबॉक्स ऑटोमेटिक इसलिए क्योंकि अगर आपको ट्रैफिक वगैरह में बहुत ज़्यादा चलाना है तो फॉर श्योर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चलाना है तो मैनुअल लो, मैनुअल भी चलाना है, मज़ा आता है इसका। XUV 700 का एक्चुअली होता क्या है कि 700 का मैनुअल जो है वो फ्लीट में अवेलेबल नहीं होता है, मीडिया फ्लीट में, तो हम लोगों के पास में ऑटोमेटिक जो है वो मोस्टली आता है। तो मैंने जो मैनुअल चलाया भी तो वो थोड़ा सा ही चलाया है, वो भी शोरूम से लेके चलाया था मैंने, दैट्स ऑल, कि मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना, और वो इतना भी चलाने को नहीं मिला था कि मैं प्रॉपर शूट करके आपको बता पाऊँ। तो मैंने एक्सपीरियंस ले लिया था कि हाँ, जैसे आज मेरे को बात करनी थी तो मैं आपको बता पाया कि हाँ सीन सॉर्टेड है, कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं आएगी। माइलेज की अगर थोड़ी बहुत बात करूँ तो 13-14 किलोमीटर लीटर के आसपास का माइलेज जो है वो आप निकाल सकते हो अगर आप अच्छे से 100 की स्पीड पे क्रूज़ करके चला रहे हो हाईवे पे, तो इस डीजल इंजन से। हाँ, नॉर्मल अगर आप सिटी में चला रहे हो तो 11-12 किलोमीटर लीटर के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ये इंजन रिटर्न कर देता है। पेट्रोल में डेफिनेटली 200 हॉर्स पावर है, 380 Nm का टॉर्क है, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो सिंगल डिजिट में ही रहती है सिटी में, तो मोस्ट प्रोबेबली 8-9 किलोमीटर लीटर के आसपास में। हाईवे पे आप जाते हैं तो 10-11 के आसपास मैक्स माइलेज जो है वो आप पेट्रोल इंजन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डीजल में थोड़ा सा साउंड ज़्यादा है इंजन का और माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाता है, पावर आपको जो है थोड़ा सा पेट्रोल से कम मिलता है, बट टॉर्क आपको पेट्रोल से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो यही चीज़ है XUV 700 पेट्रोल वर्सेस डीजल का भी मैंने एक्सेलरेशन टेस्ट करा है, ड्रैग रेस करी है, आप सर्च करके XUV 700 पेट्रोल वर्सेस XUV 700 डीजल ड्रैग रेस आयुष SSM, तो आप वो भी वीडियो जो है वो देख पाओगे। बाकी जिप मोड में एक बार डाल देते हैं, बिल्कुल एकदम काम मोड है ये जिप मोड, फटाफट गियर शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करता रहेगा ये, बहुत ज़्यादा ऐसे वो नहीं फील करवाएगा कि लाइक जर्क आ रहे हैं या आवाज़ ज़्यादा कर रहा है। ये देखो बिल्कुल एकदम काम हो गई ना, कंपोज, कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम वगैरह नहीं, आराम से चलाओ, साइलेंट चल रही है गाड़ी, वैसी फील जो है वो इसके अंदर आती है। बट हाँ, डीजल आप गाड़ी चला रहे हो ये चीज़ आपको पता तो चलती रहती ही है। यही सभी चीज़ें हैं XUV 700 गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं कि क्यों इस पर्टिकुलर वेरिएंट को आपको परचेज करना चाहिए। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छी है, गियरबॉक्स की बात कर ली, स्टेयरिंग के फीडबैक के बारे में बता दिया मैंने आपको, व्यूइंग एंगल वगैरह सभी बढ़िया, अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, नेविगेशन वगैरह आप सब चीज़ें एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायर से कनेक्ट करके चला सकते हो, सिर्फ वायरलेस जो है चार्जिंग वगैरह नहीं है, टाइप ए टाइप सी पोर्ट एक आगे एक पीछे दे रखी, दैट्स ऑल, और होती नंबर्स में तो थोड़ा सा अच्छा लगता, दैट्स ऑल, बाकी किसी चीज़ की मेरे को इस कार के अंदर कमी नहीं लगी। LED लाइट्स वगैरह आपको सब चीज़ें मिल ही जाती है। हाँ जी, 7-सीटर SUV प्लान कर रहे हो, डीजल चाहिए, 7-सीटर चाहिए, 5-सीटर चाहिए, आप परचेज कर सकते हो, मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, परचेज कर सकते हो। अगर आपको पेट्रोल चाहिए, 5-सीटर 7-सीटर चाहिए, तो मैनुअल आप परचेज कर सकते हो दोनों में, ऑटोमेटिक में अगर आपको चाहिए तो 5-सीटर तो आपको मिल जाएगी, 7-सीटर आपको पेट्रोल में ऑटोमेटिक जो है वो नहीं मिलेगी। दैट्स ऑल, आपके ऊपर है कि आपको क्या परचेज करना है, क्या परचेज नहीं करना है। प्राइस स्टार्ट होती है 17,69,000 रुपीज़ से, जैसा कि मैंने बताया 21,09,000 रुपीज़ के आसपास प्राइस जो है वो जाती है। बाकी स्टिल अगर आप लोगों का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें और अच्छी तरीके से कवर हो, तो आप नीचे कमेंट करें, आगे इन फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली आपको वो जो पर्टिकुलर कमेंट आपकी है उसके ऊपर कोई ना कोई कंटेंट मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड साथ ही कोई दूसरे वेरिएंट की वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताएं। आज की वीडियो में तो इतना ही, इसको यहीं रैप अप करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। मज़ा आया तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। यार सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, चले जाते हो वीडियो देख के, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन आता है, लाइक करा करो, बताया करो कमेंट करके कि अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो हरकत इसने करी, ऐसे बोला करो, और जो अच्छा लगा उसको अप्रिशिएट करा करो, तो मोटिवेशन भी रहता है गाड़ी रिव्यू करने का, आगे नए नए कंटेंट बनाने का। अभी ये ख़राब रास्तों पे चला कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चुप होता हूँ और आप लोग साउंड सुनो। बॉटल की भी आवाज़ आ रही है,
तो आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी तरीके से जो है वो गाड़ी निकल जाती है, कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं आने वाली इस पर्टिकुलर कार के अंदर, ना ही ऐसा कुछ हैज़न सच बॉडी रोल वगैरह ये शो करती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे, बट हाँ हाई स्पीड पे बॉडी रोल डेफिनेटली फील होता है। बाकी सस्पेंशन वगैरह बढ़िया तरीके से बैलेंस यहाँ पर करे हुए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल देन गाइज, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।